ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस, अगर हमने डिवाइजर 5 फिक्स कर लिया है तो हमारे पास रिमाइंडर के ऑप्शंस क्या रहते हैं. रिमाइंडर कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 है ना. ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर इफ आई हैव टू प्रूव समथिंग, मैं हर एक नंबर के लिए प्रूफ नहीं कर सकता. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन नंबर्स को कैटेगराइज कर दिया फैमिलीज में. तो कोई अगर बोलता है कि 0, 5, 10, 15 ये सारे नंबर्स कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारे नंबर्स ऐसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे ऐसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें नंबर 0, 5, 10, 15 आ जाएंगे. दैट इज 5 की वाले नंबर्स की फॉर्म. सारे नेक्स्ट, अगर मुझे फैमिली को रिप्रेजेंट करना है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है 1, 6, 11, तो 5q+1 एक ऐसी फैमिली है जो कि 1, 6, 11, 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है. तो कहीं अगर आपको दिखता है 5q+1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 1 आ रहा है. ठीक है, दिस थिंग्स आर प्रीटी क्लियर. नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस. अगर एक बार थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम देख लेंगे हमको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं. सो लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप. क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3. आपको बताना है कि हर ऑड अगर नंबर है तो या तो वो 4m+1 होगा या तो वो 4m+3 होगा. तो कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर 2m+1 तो एक ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है. बिल्कुल करता है. अगर हम 2m+1 बताते हैं तो वो भी एक ऑड नंबर होता है. लेकिन अगर मैं 4m के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, मतलब 4 से डिवाइड करने पे मुझे क्या क्या रिमाइंडर्स मिल सकते हैं, 0, 1, 2 और 3. सो लेट्स टेक, हमको जो प्रूफ करना है वहीं से हमको आइडिया आ जाएगा कि डिवाइजर मुझे क्या लेना है. तो क्वेश्चन में अगर मुझे लिखा है कि प्रूफ करिए हर ऑड नंबर 4m+1 और 4m+3 ही होगा, तो यहाँ से क्या पता चला, 4m+1 का मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आएगा. क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, लेट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, वेयर लेट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर by Euclid's division lemma, where 0 r less than b. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको let अगर यहाँ नहीं लिखेंगे आप तो ऐसा लिख सकते हैं, for any positive integer a equals to, you can continue from here, for any positive integer a equals to bq plus r by EDL, where 0 r is less than b. अब लिखेंगे आप लेट बी इक्वल्स टू 4. जब आपने बी का वैल्यू 4 कर दिया तो 0 से लेके आर का वैल्यू 4 तक जाएगा, लेकिन आर 4 कभी नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 हो सकता है. ऐसे लिखो, या आर इज हैविंग वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, ऐसे भी लिख सकते हो आप. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, लेट बी इक्वल्स टू 4, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q. कोई भी नंबर या तो 4q हो सकता है या 4q+1 हो सकता है या 4q+2 हो सकता है या 4q+3 हो सकता है. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं पहले सोचूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑड आपका 4m+1 या 4m+3 होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट की, तो क्या पता चला, या तो 1 आएगा या 3 आएगा. फिर m की दूसरी वैल्यू पुट की 1, तो क्या मिला, 5 और 7. फिर दूसरी वैल्यू पुट की, तो ऐसे वैल्यूज पुट करते हो जाऊंगा, तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है ये दोनों ऑड नंबर्स ही दे रहे हैं. अगर मैं नंबर सिस्टम के नंबर्स लिखता हूँ, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो मुझे क्या पता चला, यस 1 ये टेक केयर कर रहा है, 3 ये टेक, 3 4 एंड प्लस 3 टेक केयर कर रहा है, फिर 5 ये वाला टेक केयर कर रहा है, फिर 7 ये टेक केयर कर रहा है. तो दोनों मिला के हर ऑड नंबर को टेक केयर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक नंबर को लेके नहीं बता सकता ये सब चीजें, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फैमिली को डिफाइन करना पड़ेगा, और अगर फैमिली के लिए मैं पूरी प्रूफ कर देता हूँ तो सारे नंबर्स इसमें टेक केयर हो जाते हैं. सो लेट्स से a इक्वल टू 4q इज अ फैमिली ऑफ नंबर्स व्हिच इज 4
8, 12, 16, 20 ये सारे नंबर्स को टेक केयर करती है. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 क्यू. मतलब क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 इट इज इवन. नेक्स्ट 4q+1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2q+1. तो अभी ये क्या बोल सकता हूँ, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, ये मल्टीपल है 2 का, तो ये भी एक इवन नंबर ही रिप्रेजेंट, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1 है, आई एम सो सॉरी, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 2, वन सेकंड थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पे लिखने में गड़बड़ कर दिया, 2 टाइम्स 2q+1 नहीं होगा वो, यस ये होगा 2 टाइम्स, दिस वुड बी, इससे लिखना पड़ेगा, ओके वेट, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे पास नंबर्स या तो 4m होगा या 4m+1 होगा या 4m+2 होगा या 4m+3 होगा. हमने क्या किया, I'll write it again one second. किसी भी एक नंबर को मैं लिख सकता हूँ a is equals to bq+r, okay, by Euclid's division lemma, okay, where 0 r less than b, and let b equals to 4, therefore any number is of the form 4q+r, where r can take values from 0, 1, 2 and 3. So if I take about 4m, so ye kya likha hua hai, that is 2 times 2m, so it's a multiple of 2. Next, if I'm talking about this, this is 2 times 2m+1, so it's multiple of 2, multiple of 2 and plus 1. ठीक है, तो 2 का मल्टीपल प्लस 1 है, तो ऑब्वियसली दिस विल रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर. नेक्स्ट 4m+2, व्हाट कैन आई राइट अबाउट दिस, आई कैन टेक 2 कॉमन, सो 2m+1, सो इट्स अगेन मल्टीपल ऑफ 2, सो व्हेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 इट इज ऑब्वियसली इवन, इट्स आल्सो इवन. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4m+3 नाउ, इट इज 4m+2+1, तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, सो 2 टाइम्स 2m+1+1. So again I can say this is 2, let's say q+1 का form, ये मैंने कुछ constant की तरह q treat कर लिया, it's again even plus 1, so it's again odd. Okay, so what we had to prove, we had to prove that 4m+1 and 4m+3 are odd. तो हमने prove कर दिया 4m+1 और 4m+3 odd है. ठीक है, हम नंबर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नंबर्स इनफिनिट है, तो हम एक एक नंबर को लेके बता नहीं सकते. जैसे अगर मैं मान लो 1 लेता हूँ एक नंबर, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये 4 times 0+1 है, ऑड हो गया. नेक्स्ट 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 4 times 0+2. ठीक है, कोई और नंबर ले लिया 17, इसको लिखा 4 times 4+1. ठीक है, तो हर एक नंबर के लिए मैं अलग अलग प्रूफ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने क्या किया, पूरी फैमिली को ले लिया. ये 4 नंबर पूरे नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं, रियल सॉरी नेचुरल नंबर सिस्टम को पूरे को. ये 4 जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, कवर्स ऑल द नेचुरल नंबर्स. ओके, सो इफ आई एम एबल टू प्रूव फॉर 4, आई एम एबल टू प्रूव फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स, सो आई डोंट नीड टू टेक देम इंडिविजुअली. इसीलिए हम इन नंबर्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले रहे हैं, हम फैमिलीज को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. यस को तो बोलिए सर, आपने ये 4m+3 में क्या किया है, इसे हमने क्यू से डिवाइड किया. 4m+3 में हमने क्यू से डिवाइड नहीं किया, हमने 4m+3 को लिखा 4m+2+1, फिर 4m+2 में से हमने क्या किया, 2 कॉमन निकाल दिया, तो वो बन गया 2 times 2m+1+1. अब 2m+1 एक कोई कांस्टेंट नंबर है ना, कुछ नंबर होगा, m जैसे पुट करोगे तो 2m+1 कुछ नंबर होगा, तो उसको मैंने एक नंबर q से रिप्रेजेंट कर दिया अभी. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2q+1 में इसको लिखा जा सकता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2+1. अब अगर मल्टीपल ऑफ 2+1 है तो वो ऑब्वियसली ऑड ही होगा.
यस सर ठीक है इस क्वेश्चन को लिख लो थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसी टाइप के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं ठीक है इसको नोट डाउन कर लो देन विल मूव ऑन यस भाई सर अगर समझ लो क्वेश्चन ही अगर पूछा है तो सर हमको ये r इक्वल टू 0.23 तक ही लिखना है कि ये 4m प्लस 1 4m ये सब सब लिखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 2 ये क्या बोल रहे हो आप कहां क्या पूछा है क्वेश्चन में मतलब जैसे कि आपने ये जो सॉल्यूशन किया है इसके अंदर ये इतना ऊपर वाली लाइन तो ठीक है पर फिर ये जो 4m 4m प्लस 1 ये सब है ये जैसा आपने किया वैसा पूरा करना पड़ेगा हां अगर क्वेश्चन में आपको 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 बोला है कि odd proof करो, आपको सारे लेने पड़ेंगे, 6m अगर आप लेते हो, अगर आपने divisor 6 fix कर लिया, तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 वाले numbers सारे आ जाएंगे, तो बाकी को आपको odd proof करना है, और जो even proof करना है, उसको even तो proof करना ही है, तो total 6 case लेने पड़ेंगे आपको। Okay, thank you sir. किसी का बाकी है तो raise your hand otherwise we will move on okay लिखो 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 जैसे हो जाता है अब हाथ नीचे कर देना ठीक है तो हम आगे चल पाएंगे Okay. Let's take another question now. Question mein kya likha hai? Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 or some integer q. Chaliye, go and try this question. Is question ko aap khud se try kariye. जिस जिसका हो जाता है वो हाथ उठा सकते हैं यू कैन रेज योर हैंड आई कम टू नो मैंने कर दिया लेट्स सी किसी भी नंबर को आप क्या लिख सकते हैं ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर by Euclid's division lemma where r is less than b but greater than equal to 0 let b equals to or b kya lenge aap for sure 6 lenge dikh raha hai aapko clearly 6q plus 1 prove karna hai 6q plus 3 prove karna hai 6q plus 5 prove karna hai please understand this is what you have to prove ye jo likhi hui cheez hai ye aapko prove karni hai theek hai na to ye dhyan mein rakh ke aapko question proceed karna hai तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 ठीक है तो किसी भी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं 6q plus r के फॉर्म में जहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 एंड 5 सो आई विल टेक 6 डिफरेंट केसेस ओके 6 अलग-अलग केस मुझे लेने पड़ेंगे तो अगर मेरा नंबर 6q के फॉर्म का है अगर मेरा नंबर 6q plus 1 के फॉर्म का है अगर मेरा नंबर 6q plus 2 के फॉर्म का है अगर मेरा नंबर 6q plus 3 के फॉर्म का है अगर मेरा नंबर 6q plus 4 के फॉर्म का है और मेरा नंबर 6q plus
पाई के फॉर्म पर। तो ये छह डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है नंबर के होने की। अच्छा आप ध्यान रखना 6q+6 मत लिख देना, 6q+6 इज अगेन इन दिस फैमिली, 6q+6 वापस से फर्स्ट फैमिली में आ जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ आपको, a इक्वल्स टू अगर 6q+6 हम लिखते हैं, 6 कॉमन आ जाएगा q+1। अब ये q+1 कोई कांस्टेंट ही है तो मैं इसको 6m लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो 6q+6 डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ नंबर इन दिस फर्स्ट फैमिली इटसेल्फ। ओके, सो दीज आर डिस्टिंक्ट फैमिलीज व्हिच आर पॉसिबल। नाउ इफ आई एम सेइंग अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6q, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 times 3q हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, 2 times 3q, सो व्हेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 इट्स इवन, इट्स इवन। ठीक है, अगर ये 6q+1 लिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 times 3q+1, सो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2+1, सो व्हेन आई से इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2+1 इट्स ऑड। नेक्स्ट I can take 2 whole common from 6q+2, so left over will be 3q+1. Now this 3q+1 is nothing but a constant. जैसे आप q की different values रखोगे, 3q+1 भी आपको कुछ constant value मिलेगी, which can be treated as 2m. So it's again a multiple of 2, so it's even. Next, 6q+3. Now what can I do 6q+3? बहुत बच्चे 3 common लेके 2q+1 बताते हैं। तो बेटा ये तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, क्वेश्चन में हमको इवन या ऑड प्रूफ करना है। तो हमने जब सबसे पहला अपना देखा था ये वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया था इवन 2q का फॉर्म होता है, ऑड 2q+1 का फॉर्म होता है, तो हमको इवन ऑड प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2q बताना पड़ेगा या 2q+1 बताना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल है, आपने बता दिया, बहुत अच्छे, थैंक यू, लेकिन पूछा नहीं था। ठीक है, तो हमको वो बताना है जो पूछा है, वो नहीं बताना है जो हमको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6q+2+1 कर देंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3q+1+1 हो जाएगा। सो व्हेन आई से इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2+1, सो इट्स ऑब्वियसली ऑड। नेक्स्ट अगेन इफ यू टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस, लेफ्ट ओवर विल बी 3q+2, सो इट्स एन इवन, मल्टीपल ऑफ 2 है तो इवन हो जाएगा। नेक्स्ट 6q+5 में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, 6q+4+1 में, तो 4 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, सो 2 times 3q+2+1, सो व्हेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, सो आई कैन राइट इट एज 2m+1 का फॉर्म, सो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2+1, ये भी 2m लिखा जा सकता है, 2m+1 लिखा जा सकता है, 2m हमने लिखा है, 2m+1 लिखा जा सकता है, और ये भी 2m हमने लिखा है। ठीक है, तो अब ये मत कंफ्यूजन दिमाग में लेके बैठना आप कि सर आप हर जगह mm लिख देते हो, तो ये m और ये m डिफरेंट या सेम होगा, ये कांस्टेंट है, हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप चाहो तो 2k भी लिख सकते हो, आप चाहो 2k+1 लिख सकते हो, आप चाहो 2k लिख सकते हो, इज इट क्लियर? बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे अगर q लिया है, तो यहाँ पे q लास्ट में 6q मत लिख देना आप, सॉरी लास्ट में 2q मत लिख देना आप, 2 टाइम्स समथिंग डिफरेंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर 6q लिखा है तो यहाँ पे 2k लिख देना आप, इज इट क्लियर? हाँ, अब ये 2k लिखा तो ये भी 2k लिख सकते हो आप, ये भी 2k का फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना, और जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको पहली बार में लिख के बता दी थी, क्या बताई थी, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये सब स्टोरी लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म a इक्वल्स टू bq+r बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे r 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। आई गेस क्वेश्चन काफी ज्यादा क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, नोट डाउन कर लो। जिस जिसका बाकी है यू कैन रेज योर हैंड। आई गेस किसी का बाकी नहीं है तो आगे चल सकते हैं। लेट्स टेक द क्वेश्चन। ओके, नाउ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m।
give a try to this question. आप try करिए एक बार, फिर मैं solve करता हूँ इसको. Question में क्या बोला है, किसी भी integer का अगर हम square करते हैं तो वो या तो 3m के form में होगा या 3m plus 1 के form में होगा. अच्छा, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये सच बोल रहा है, पहले तो हम इसको नंबर से देख सकते हैं. जैसे मान लो 1 है, उसको मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया. तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. यस, तो 3m plus 1 जो नंबर था उसको मैंने स्क्वायरिंग किया तो 3m plus 1 के फॉर्म में आंसर आया. अब मैं 2 लेता हूँ, 2 क्या है, 3m plus 2 के फॉर्म में, उसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. अब मुझे 3 के फॉर्म में लिखना है, आप ध्यान रखो 3 के फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन में 3m और 3m plus 1 पूछा है. तो अगर 3 के फॉर्म में लिखना है तो 4 को मैं 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 3m plus 1. सो देयर इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, 3m plus 1 अगर नंबर है, स्क्वायर करने के बाद भी 3m plus 1 बनता है. 3m plus 2 नंबर है, स्क्वायर करने के बाद भी 3m plus 1 बन जाता है, ठीक है. लेकिन अगर 3m एक नंबर है उसको मैं स्क्वायर करता हूँ, जैसे 2 3 है, ठीक है, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 3 का ही मल्टीपल है. तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 9 आएगा. अच्छा, तो क्या 9 को भी मैं बोल सकता हूँ 3m का फॉर्म है. तो अगर 3m को आप स्क्वायरिंग करते हो तो आपको आंसर 3m के फॉर्म में ही मिलता है. तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्लियर है क्वेश्चन. क्या क्लियर है, देखो पहले तो हमने ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर्स ले लिया, हमने नंबर्स की सारी पॉसिबिलिटी को ले लिया है, ठीक है, ऑल दी पॉसिबिलिटीज. All the possibilities we have taken care of. Number की सारी possibility आपने ले ली. एक number इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो 3m होगा या 3m plus 1 होगा या 3m plus 2 होगा. क्यों, यहाँ पे हमने ऐसा, मैं क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने divisor लिया है, जो divisor लिया है वो क्या है, 3. जो divisor लिया है वो 3 है, ठीक है. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डिवाइजर लिया है वो 3 लिया है. तो डिवाइजर अगर आप 3 लेते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0, 1 या 2 ही बचता है. तो पूरी नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर सिस्टम में अगर मुझे उसको डिफाइन करना है तो डिवाइजर अगर मैंने 3 ले लिया तो नंबर पूरा सिस्टम कैसे डिफाइन हो जाएगा, या तो नंबर 3m के फॉर्म में होंगे या 3m plus 1 के फॉर्म में होंगे या 3m plus 2 के फॉर्म में होंगे. अब इन नंबर्स को जब मैंने स्क्वायर करके देखा तो नंबर सिस्टम यहाँ पे देखो, स्क्वायर किया, 1 का 1 आया, 2 का 4, 3 का 9. तो जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो अब नंबर्स किस फॉर्म में आ गए, 3m plus 1, 3m plus 1 और 3m के फॉर्म में आ गए. तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बोल रहा है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से रीड करते हैं. यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये वाला पार्ट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा इस फॉर्म में हो सकता है. तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1. तो स्क्वायर करने के बाद जो मेरे पास आंसर होगा वो या तो 3m होगा या 3m plus 1 होगा. किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m plus 2 के फॉर्म में नहीं होता है. तो एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए. व्हाट्स एन इंपॉर्टेंट नोट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer will never be of the form 3m plus 2. ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से और रिमाइंडर 2 आता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ऐसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं. इसीलिए ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ओलंपियाड एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो अब ये मैंने आपको स्टोरी बता दिया है, मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा एक्चुअली ये साधन. सर इसमें क्वेश्चन में लिखा है यूज ईडीएल टू शो दैट, मतलब इसमें ईडीएल का क्या यूज होगा. तो बेटा नंबर आपने 3m plus 1 के फॉर्म में लिया, 3m plus 2 के फॉर्म में लिया, 3m के फॉर्म में लिया, ये तो यूक्लिड डिविजन लेमा से ही लिया है ना. अभी तो हमने क्वेश्चन प्रूव ही नहीं किया, मैंने तो आपको अभी एक्सप्लेन किया क्वेश्चन है क्या. प्रूफ तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन को. दिस इज जस्ट दी अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है. ठीक है ना,
यहाँ से हमने बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो ड्रॉ किया वो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उस कभी भी स्क्वायर करते हैं तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, कभी भी 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं होगा। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास एग्जामिनेशन में कहीं भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया आपके पास 1532 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो rather than me going for finding out the prime factorization of this number, ये तो चलो फिर भी चार डिजिट का नंबर है काफी छोटा है, तो 7-8 डिजिट का नंबर है बहुत बड़ा और उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो 15 मिनट मेरा वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स पेयर में नहीं है, है ना, अगर मुझे चेक करना है फिर से परफेक्ट स्क्वायर नॉट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली नंबर को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने 10th ग्रेड के अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो बार बार रिपीट होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच रिपीट्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, गिव इट अ ट्राई, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। एक सेकंड, यस आयुष सर हो गया, मतलब सॉरी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, अक्षत का भी हो गया, बहुत अच्छे। मंसूर ने भी कर लिया, बहुत अच्छे। हृदय का भी हो गया, वेरी गुड। शुभ का भी हो गया, बहुत अच्छे। ओके चलिए लेट्स सी दिस, कैसे इसको करेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले एज्यूम करते हैं कि एक नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से एजम्पशन जो हम करते हैं वो पूरा का पूरा प्योरली क्वेश्चन में प्रूव दैट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एजम्पशन। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई स्टोरी लिखेंगे आप, एनी पॉजिटिव इंटीजर is of form any positive integer a, ठीक है, any positive integer is of the form a that is bq plus r, ठीक है, where story आप लिख देना 0 r less than b, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, b को fix करेंगे, ठीक है, b equals to let's take 3, therefore a number can be of the form 3q, a number can be of the form 3q plus 1, a number can be of the form 3q plus 2, ठीक है। b equals to 3, तो यहाँ पे भी एक बार लिख देना a equals to 3q plus r, where r can take the values 0, 1 and 2, is it clear? अब हम क्या बोल रहे हैं, we are saying that a number can be of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. Now the question is स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो ये नंबर आ गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, तो क्या मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, बन जाएगा 3 टाइम्स q स्क्वायर, सो अगेन 3m, क्यों ये कुछ कांस्टेंट m होगा ना, तो स्क्वायर किसी भी नंबर का 3m के फॉर्म में होगा, अगर वो खुद भी 3 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल ही होगा। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, 3q प्लस 1 जब नंबर है उसको स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ पहले दो टर्म्स में से तो क्या बनता है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इज इट क्लियर। अब ये जो अंदर स्टोरी लिखा है ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, है ना, जैसे आप q1 पुट करोगे अगर आप, ठीक है, मान लो अगर आपने q1 पुट किया तो क्या देगा आपको 3 प्लस 2 5, सो इट्स रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 का मल्टीपल प्लस 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, नंबर 3q प्लस 2 के फॉर्म में भी हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन में तो 3m और 3m प्लस 1 ही दिया है, बेटा 3m और 3m प्लस 1 आंसर का फॉर्म है, किसी भी नंबर को जब मैं डिफाइन करता हूँ तो अगर आपने डिवाइजर 3 लिया तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, तो जो आपने 0, 1 के लिए प्रूफ किया वो आपको 2 के लिए भी प्रूफ करना ही है, 3m और 3m प्लस 1 तो आंसर्स के फॉर्म है, क्वेश्चन के फॉर्म नहीं है, ये सब बस। सर ये पता नहीं चला, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को m क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ना बेटा,
क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू डालो अंदर सब्स्टिट्यूट करो वो थ्री टाइम्स समथिंग प्लस वन ही देगा आपको। सर m तो हमने इधर 3q स्क्वायर ले लिया है ना, m को हमने s, ये m और ये m दोनों डिफरेंट है, m एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो m मैं बोल रहा हूं और ये जो m बोल रहा हूं ये दोनों हमेशा सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये m तो चेंज होता रहेगा, लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं यहां से, हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो 3 का मल्टीपल होगा और वो उसके लिए हम बता रहे हैं 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा। अब अगर एक नंबर 3q + 2 के फॉर्म में है तो उसको क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9q स्क्वायर + 6q, एक सेकंड, स्क्वायर करने पे आ जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 12q, ओके ये आएगा आपके पास a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड में से, अच्छा एक और चीज करते हैं, हाँ देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ बच्चे यूजुअली क्या मिस्टेक करते हैं, इनमें से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं इसके बाद 3m प्लस 4 लिख देते हैं। अब ये गलत हो जाएगा, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, कभी भी 3m प्लस 4 का फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, तो हमने क्या किया इस स्टेप को नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट दिस स्टेप, हमने क्या किया हमने इस स्टेप के बाद इसको लिखा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 और 1 में। अब हम क्या करते हैं इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लिया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1 इज एट द एंड, तो ये क्या हो गया 3 का मल्टीपल हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो नंबर भले इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, हमारा जो आंसर है वो हमेशा या तो 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 ही आएगा, वही क्वेश्चन एक्चुअली बोलना चाह रहा था, ठीक है नोट डाउन कर लेंगे, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये सब बस गर्व पता चल रहा है, यस सर। ओके निगम भी तुम्हारे साथ ही बैठा है क्या, यस सर आ गई है, निगम को पता चल रहा है सब कुछ, यस सर। ओके बेटा आयुषी पता चल रहा है सब कुछ, हेलो यस सर आयुषी सब पता चल रहा है ना आपको, हाँ सर। और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो कर रहे हैं आप, हाँ सर, यस सर। ओके वेरी गुड, चलिए लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ, कोई लिख रहा है तो रेज योर हैंड, आई विल वेट। ठीक है लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने देखिए क्या लिखा है, यूज EDL टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। किसी भी नंबर का अगर मैं क्यूब करता हूं तो आंसर मुझे 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में ही मिलेगा। गिव अ ट्राई। अच्छा बिफोर यू स्टार्ट ट्राइंग द क्वेश्चन एक चीज ध्यान रखना, अब हम डिवाइजर को 9 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइजर 9 लेना है ऐसा हमको नहीं बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि किसी भी नंबर को आप क्यूब करो तो वो 9 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल प्लस 1 होगा या 9 का मल्टीपल प्लस 8 होगा, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना हमको परफेक्ट क्यूब्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो परफेक्ट क्यूब्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अब से आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे 9 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर 9 से डिवाइड होने के बाद या एक केस है 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है या 1 रिमाइंडर आता है या 8 रिमाइंडर आता है तो ही वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, तभी वो एक परफेक्ट क्यूब होगा और उसको हम चेक करेंगे कि भैया परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। अगर 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 3 4 5 कुछ ऐसा आता है तो हम उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि आप परफेक्ट क्यूब नहीं है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखें, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 9 से डिवाइड कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट क्यूब बन गया, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट
You cannot say that these are the conditions, it will be a perfect cube. These are the minimal conditions. Itna to minimum satisfy hona hi chahiye. Uske baad hum check kar sakte hain ki aap perfect cube honge ya nahi honge. Okay? So this is for number theory based questions. But agar hum baat kar rahe hain is chapter ke context mein, to kaise isko karenge? Ab wo dekh lete hain. ठीक है, लेट्स सी. तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक नंबर को bq plus r के फॉर्म में अज्यूम करता हूँ, ठीक है, वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, लेट b इक्वल्स टू, अब b को मुझे क्या लेना चाहिए, b को मुझे 3 लेना चाहिए. क्यों 3 लेना चाहिए? क्योंकि देखो, पहले तो अगर b में 3 लेता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है. अगर 3 लूंगा तो 3 केस लेने पड़ेंगे. मैं 6 भी ले सकता हूँ तो 6 केस लेने पड़ेंगे. मैं 9 भी ले सकता हूँ, 9 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. और जितने ज्यादा केसेस आप लोगे उतना ज्यादा परेशानी होगी सॉल्व करने. अच्छा, तो कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ सकते हैं, सर 2 नहीं ले लिया आपने? हेलो सर. हाँ बेटा. सर ये अभी खत्म हो जाएगी क्लास. हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब तक ऑन है तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज टुमारो ऑल्सो विल टेक अप दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो अगर तो हमने b को यहाँ पे 3 लिया, ठीक है, तो b को अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 लेके मैं शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है. तो किसी भी नंबर को मैं क्या